तो आप सब कुछ बाहर, और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड के 5 जिलों में होगी मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति, जाने उनके कार्य व अधिकार। चलिए देख लेते हैं। तो झारखंड के 5 जिलों जैसे गुमला, लोहरदगा, चतरा, जामताड़ा व सरायकेला खरसवां में लोकपालों की नियुक्ति होगी। इन जिलों में एक साल बाद लोकपालों की नियुक्ति होने जा रही है। मनरेगा की योजनाओं की शिकायतों को निपटारा करने के लिए लोकपालों की नियुक्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सहमति दे दी है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि लोकपाल के क्या कार्य हैं और किसी भी मामले में लोकपाल नियुक्त करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। झारखंड के 19 जिलों में यहाँ पर लोकपाल की हो चुकी है नियुक्ति। झारखंड सरकार ने यहाँ पर पिछले साल 19 जिलों के लिए लोकपाल की नियुक्ति की थी। अब बाकी 5 जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसका फायदा यह हो रहा है कि लोकपालों के माध्यम से जिलों में मनरेगा की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई हो रही है। वही फैसले भी दिए जा रहे हैं, जिससे तमाम प्रकार की गड़बड़ियों के चांसेस कम हो रहे हैं। क्या है कार्य और अधिकार यहाँ पर लोकपाल के? बोला जा रहा है कि मनरेगा योजना के संचालन में लोकपाल की बड़ी भूमिका होती है। अगर संचालन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जो है अगर वो पाई जाती है, तो इसका जो सुनवाई है वो तुरंत हो सकेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत लेकर आ सकता है। लोकपाल का दायित्व होगा कि वह शिकायत की जाँच कराकर दोषी पाए जाने वाले पर संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा डीएम को यहाँ पर भेज सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उनके पास सजा का भी अनुमोदन करने का अधिकार है। बता दें कि लोकपाल के पास शिकायत निवारण के लिए विभागीय और यहाँ पर सुधारात्मक कार्रवाई का अधिकार है। हालांकि शिकायत मिलने पर उन्हें 30 दिनों के अंदर फैसला सुनाना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात सामने निकल कर आ रही है। जोहार।